नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 52 है। दोस्तों, आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेट पैटर्न और एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सारे पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है, सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, जब कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न को समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। मैथ का क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद से सॉल्व भी करना है। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो क्या हो रहा है, वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, और कह रहा है तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो होगा गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। चलिए मानते हैं दोस्तों वह संख्या ऑप्शन नंबर पहला ए यानी कि 14 है। 14 में क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखिए यहां पे मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। मान लेंगे वो संख्या 14 है, क्या करना है आपको, कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है जब ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, तो 14 में दोस्तों 21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 35। कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। कह रहा है कि 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी यानी कि 14 का 3 गुना क्या होगा, 14 14 14 28 14 42, क्या होगा दोस्तों, 3 गुनी से क्या हो रहा है, 42 हो जाएगा। 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, 3 गुनी से 7 कम कर ले, यानी कि आपको करना क्या है दोस्तों, 42 में से 7 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 35 हो जाएगा। कह रहा है 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे भी ऊपर भी क्या रहा है, 35 आ रहा है, नीचे भी 35 आ रहा है, यानी ये कंडीशन को क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि वो संख्या कौन है दोस्तों, वो संख्या है 14। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। देखिए एक बार और समझाता हूँ, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन मानना है वो संख्या 14 है, 14 में दोस्तों 21 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 21 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, तीन गुनी संख्या क्या होगा, 14 का 3 गुना 14 42 हो जाएगा, 42 से 7 कम, 42 से 7 कम कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 35। 42 से देखिएगा तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 21 को जोड़ा गया है, देखिएगा तो 35 हुआ है, तो 3 गुना से कितना कम है, 35, 42 से 7 कम, यानी माइनस कम करिए, यानी कि माइनस यानी कि 7 कम करना है, माइनस 7 करेंगे तो 35 होगा कि नहीं, 35 हो रहा है, यानी कंडीशन को क्या कर रहा है, पूर्णता सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 14 ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्नों के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर दिया जाता है। कैसे? बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है जब विजय 12 पेन को बेचता है ना दोस्तों, तो 2 पेन के विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे बेचता है जितना रुपए में, यानी कि 2 पेन जितना बेचा है उतना उसे क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ठीक है, पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, समझिएगा। ये 12 पेन बेचता है, कितना पेन बेचता है दोस्तों, 12 पेन। मान लेंगे दोस्तों ये 12 पेन 12 रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा, 12 रुपए में। तो एक पेन का मूल्य क्या होगा दोस्तों, 1 रुपए हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 रुपए होगा ना। और यहां कह रहा है दोस्तों 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये क्या होता है, 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है इसे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हुआ है दोस्तों, इसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब इसे 2 पेन के दोस्तों विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो ये कितने रुपए में खरीदा होगा दोस्तों, 12 पेन 10 रुपए में खरीदा होगा। देखिएगा
हमने क्या किया दोस्तों, 12 पेन 12 रुपए में क्या किया, बेचा। ठीक है, मान लीजिए विजय है, 12 पेन 12 रुपए में बेचा, तो खरीदा कितने रुपए में है, 10 रुपए में 12 पेन खरीदा है। ठीक है, 10 रुपए में 12 पेन खरीदा है, तभी तो दो पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। बस अब यहां पे क्लियर हो गया, तो कितना लाभ हुआ है दोस्तों, 2 रुपए का लाभ हुआ है। खरीदा कितने रुपए में है, 10 रुपए में। सिंपल भाषा में समझिए, खरीदा 10 रुपए में है, बेचा 12 रुपए में है, तो लाभ हुआ इसे 2 रुपए का। ठीक है, तो 2 रुपए का लाभ, यहां पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि 2 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पे दोस्तों, 10 रुपए पे। ठीक है, और गुणे 100 कर देना है। ठीक है, गुणे 100 कर दीजिए, तो ये देखिए 2 से क्या होगा, 2 5 10 हो जाएगा, ये 5 से ऐसे भी कटा सकते हैं, 5 9 10 20%, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20%। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखेंगे बी में, तो आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछूंगा, टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ मानने की जरूरत है, ना लंबी चौड़ा आपको फार्मूला लगाने की जरूरत है, बहुत आसान तरीका होता है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है एक संख्या को 2000, देखिएगा एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, समझिएगा, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दोस्तों देखा जाता है, ये जो 2736 देना है, 2736, इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, 2736 को देखेंगे दोस्तों क्या ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं, ये 24 है ना, 24 से कटाइए, ये पूर्णतः भाग चला जाएगा कि नहीं, भाग चला जाएगा तो बहुत सिंपल होता है, नहीं जाएगा तो इस टाइप के प्रश्न का आंसर देना मुश्किल होता है। ठीक है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब देखिए 24 से कम 24 हो जाएगा, इधर बचा 3 33 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 24 से कम 24 हो जाएगा, 24 6 3 9 96 इधर हो जाएगा, 24 चौको 96 114 बार में ये पूर्णतः विभाजित है। जब ये पूरा पूरा इसमें भाग चला जाता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो ये शेष रहता है ना इसी से क्या करेंगे, इसको 24 से भाग कर देंगे, जो दोस्तों आपका शेष बचेगा ना वही आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप समझिएगा यहां कह रहा है ना दोस्तों शेष 75 रहता है, फिर कह रहा है उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। देखिए ये 75 है ना, 75 को सिर्फ क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे, 24 से भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 24 या क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा, 24 या 72, यहां शेष क्या बचेगा दोस्तों, 75 में देखिएगा 75 है ऊपर नीचे 72 है, तो 72 को माइनस करेंगे 75 से तो कितना बचेगा, 3, ये जो शेष 3 बच रहा है ना यही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा दोस्तों, 3, 3 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो 75 है ना, 75 को क्या करिए, 24 से भाग करिए, 24 या 72 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 या जब 72 हो गया तो शेष में क्या बचेगा, 3, तो यहां पूछ रहा है ना शेष कितना रहेगा, तो शेष 3 बचेगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा पूरा भाग जाता तो शेष 0 रहता। ठीक है, बस इतना ही किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, देखते ही दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों का आंसर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर किया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर करिए, और जो हमसे देखिएगा अगर जिनको दोस्तों हमसे जुड़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त जितने भी दोस्त हैं आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आप यूएसएससी में अगर चैनल पड़ेगी आपको उसकी नोटिफिकेशन जाएगी, तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिए ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका,
चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, न कोई आपको यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रिक याद करने की जरूरत है, बहुत सिंपल तरीका होता है सॉल्व करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। क्वेश्चन को एक बार समझाता हूं, अच्छे से समझिए, यहां पे समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर होगा। देखिए अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मान लेना है दोस्तों ये मूलधन 100 रुपए है, ठीक है, मूलधन ये 100 रुपए है। और यहां कह रहे हैं यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, देखिएगा तो मूलधन 100 रुपए मान लिए है, तो इसका 30% दोस्तों क्या होगा, इसका 30% होगा 30 रुपए, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। कह रहा है 6 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा, आप 30 को दोस्तों 6 से भाग कर दीजिए तो 6 × 5 = 30, 1 वर्ष का दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा, 5 रुपए होगा, ठीक है। अब कह रहा है तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, बताइए 1 वर्ष में दोस्तों 5 रुपए बढ़ रहा है तो 100 रुपए होने में इसे कितना वर्ष लगेगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट 100 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 × 10 = 0, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, एक लाइन का है, आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हम साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की भी डेली वीडियो प्रोवाइड करें, तो दोस्तों आपको बता दूं एसएससी मेकर चैनल पे दोस्तों डेली 5 PM पे करंट अफेयर की वीडियो पड़ती है, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो मॉर्निंग में दोस्तों 5 PM पे करंट अफेयर डेली आप पढ़ा करिए। 2 PM पे दोस्तों मैम एक है, आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 2 PM पे भी क्लास मिस ना करिए, इसे इस क्लास को भी आप ज्वाइन करिए। और दोस्तों डेली 8 PM पे मैं आपको एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की क्लास लेता हूं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, उन प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों एसएससी मेकर चैनल पे 3 डेली वीडियो अपलोड होती है, यानी 3 क्लासेस डेली चलती है, इसलिए दोस्तों तीनों क्लासेस को मिस ना करिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी अन्य चैप्टर में भी आपको प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का नाम दोस्तों नीचे कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ट का प्रश्न है ये, आज का दोस्तों प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मैथ का पार्ट नंबर 51 देख लेंगे, 51 का क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, पार्ट नंबर 51 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाया हूं दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 51 आपको मिलेगा कहां दोस्तों, इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पे दोस्तों दे दिया हूं, या आई बटन पे दोस्तों क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 51 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों आप इस ई बुक को लेंगे कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की दोस्तों समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक चीज और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, जो नए स्टूडेंट होंगे हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, उसे भी बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।